रिश्ता प्लस किसी दिन ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। अभिमन्यु ने अभिनव को स्टेकेशन का सबसे पहला पेमेंट किया है और ये देखकर अभिनव बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अभिमन्यु से कहता है, उदयपुर में जब मैंने गाड़ी पहली बार चलाई थी तो मुझे सबसे पहला पेमेंट आपकी तरफ से आया था और अब की बार भी कसौली में आपकी तरफ से ही पहला पेमेंट आ रहा है। चाहे हम दोनों कितना भी अलग या दूर होने की कोशिश करें, किस्मत हमेशा हम दोनों को एक दूसरे के आसपास ले ही आती है। भगवान को शायद यही मंजूर है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो अक्षरा इन दोनों की बातें सुन लेती है। फिर तुलसी को जल चढ़ाते वक्त तीनों एक साथ जल चढ़ाते हैं और फूल भी चढ़ाते हैं। तब अक्षरा भगवान जी से कहती है, हे कान्हा जी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना, कभी भी किसी की भी डोर टूटने मत देना। जब वो ऐसा कहकर फूल चढ़ाती है, तीनों हाथ भी जोड़ते हैं, तभी एक फूल वहाँ से गिर जाता है। अब कान्हा जी का इस फूल के गिरने से क्या संकेत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शायद सीरियल में अभिनव की एग्जिट हो सकती है, यानी अभिनव शो को अलविदा कह सकते हैं। ऐसा सुनने में तो आ ही रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल सीरियल में कायरव और मुस्कान की शादी का ट्रैक चल रहा है। एक एक करके सभी घर वाले इन दोनों की शादी के लिए राजी हो रहे हैं। इनकी शादी के लिए अगर कोई अब तक नहीं तैयार हुआ है तो वो है अभिनव। अभिनव नहीं चाहता कि मुस्कान की शादी कायरव से हो, लेकिन धीरे से अभिनव भी इस शादी के लिए हाँ कह देगा। अक्षरा की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं। पहले तो अभी को पता चल गया है कि अभिनव और अभिमन्यु के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। अब पहले अभी को संभालना पड़ेगा और उसके बाद अभिनव को इस शादी के लिए कन्विंस भी करना है, क्योंकि अभिनव इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। इस सीरियल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।